भाभी देखो मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ, गोल्ड की इयररिंग्स। अरे वाह, तो बहुत सुंदर है, मेरे लिए है? हाँ, आप ही के लिए है। तेरा दिमाग खराब है रिया, अरे इतना महंगा गिफ्ट क्या जरूरत है इसे देने की? मेरा मतलब है बेटा, इतनी महंगी चीज लाने की जरूरत क्या थी? हाँ दीदी, क्या जरूरत थी, मेरे पास तो पहले से ही है। अरे आपका बर्थडे गिफ्ट है ये, मुझे ये डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा आपके लिए ले लूं। थैंक यू दीदी। अच्छा ठीक है, जा और जाके रिया के लिए कुछ अच्छा सा बना के लिया। जी माँ जी। और तू बासु, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे इतना महंगा गिफ्ट कौन देता है अपनी भाभी को? मम्मी मुझे अच्छा लग रहा था तो मैं ले आई, क्या हो गया इसमें? चल ठीक है, तू ले ही आई है तो छोड़, और बस जब जाएगी ना तो इससे दो चार अच्छे सूट या साड़ियाँ लेकर ही जाइए, एक आध से काम नहीं चलेगा इस बार। ना महंगा गिफ्ट दिया है, पैसे पूरे वसूल करियो। माँ ये क्या बोल रही हो आप, मैं भाभी के लिए जो गिफ्ट लेकर आई हूँ ना वो अपनी मर्जी से पसंद से लेके आई हूँ, कोई जोर जबरदस्ती से नहीं लेके आई, और ना कि इसलिए लेके आई हूँ कि वो मुझे बदले में कुछ दे। और मम्मी मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, आज तक भाभी ने ही तो दिया है मुझे जो दिया है, मैं तो कुछ पहली बार लेकर आई हूँ उनके लिए। अरे बेटा तो क्या हो गया, नंदों का हक होता है भाभियों से गिफ्ट लेने का, और भाभियों का फर्ज है कि वो नंदों को गिफ्ट दे, कुछ अनोखा नहीं करती है वो तुझे कुछ देती है तो। जैसे आप भाभी के लिए बोल रही हो ना, ऐसे मेरी सास मेरे लिए भी बोलती है, उनको लगता है कि अपनी बेटी को घर उठा के दे दें। मैंने आज तक उनके लिए सब कुछ किया है, हर एनिवर्सरी बर्थडे पे उन्हें गिफ्ट दिया है, और आज तक उन्होंने मुझे एक पैसे का कोई चीज़ ला कर नहीं दी। मुझे बहुत बुरा लगता है मम्मी, तो मैं नहीं चाहती कि भाभी को वैसा फील हो, और अगर मैं भी ऐसा ही भाभी के साथ करूँगी तो उनमें और मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा? पर मम्मी अब आप यहाँ भाभी के साथ रहते हो, मेरे साथ नहीं रहते, तो आप उनकी चिंता ज़्यादा किया करो, उन्हें किस चीज़ से खुशी मिलती है, उन्हें किस चीज़ का बुरा लगता है, काम में उनकी हेल्प किया करो। अगर आप उन्हें खुश रखोगी, उन्हें रिस्पेक्ट दोगी, तो वो मुझे खुद ब खुद रिस्पेक्ट देंगी, और जब भी मैं घर आऊँगी तो हमेशा खुश रहेंगी। मैं नहीं चाहती कि अगर मैं कभी घर आऊँ और भाभी का मुँह बनाओ। तू तो बड़ी समझदार हो गई है रे, मुझे माफ़ कर दे बेटा, गलती हो गई मुझसे, जो उसके साथ मैं ऐसा बिहेव करती थी, मैं भूल गई थी कि मेरी बेटी भी कहीं की बहू है, किसी घर में मेरी बेटी भी बहू बनकर ही रहती है। आगे से मैं तुझ में और इसमें कोई भेदभाव नहीं करूंगी, बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह ही ट्रीट करूंगी इसे। माँ जी खाना लगा दो। अरे बेटा खाना तो लगता रहेगा, यहाँ यहाँ बैठ, देख तो रिया कितने दिनों बाद घर आई है। अरे इसके साथ बैठ, दो चार बातें कर, नंदा भाभी बातें करती अच्छी नहीं लगती क्या है? घर का काम तो होता ही रहेगा। जी माँ जी। तो भाभी क्या बनाया आपने लंच में? आलू गोभी। आलू गोभी? मम्मी आपने बोला था आलू गोभी बनाने के लिए। पसंद है ना? थैंक यू।